أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما अवलन तमाम किस्म की तारीफ़ात हमदोसना अज़मत बढ़ाई व किबरियाई यकताई व तन्हाई बादशाही व शहनशाही वहदौला शरीक खालिक़े कायनात मालिक़े अर्ज़ो समा के लिए लायक और सेबा है। बादहु दरूद और सलाम नासिल हो तमाम अंबियाए किराम और रुसलाने इज़ाम पर, खुसूसन बिलखुसूस सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन इमामुल थक्लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام, اس سے پہلے ہم نے آپ کو ज़िक्र इलाही के बारे में बहुत कुछ बातें बतलाई थी और आज के खुतबे जुमा का मौजू यही है कि ज़िक्र इलाही के फ़ायदे। देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम बंदों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है और उसके रहम व करम के सदक़े उस अल्लाह ने अपने बंदे के लिए उन तमाम चीज़ों को बहुत ही आम रखा है जो चीज़ें हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो अल्लाह का निज़ाम है और ये जो कुदरत का निज़ाम है, दुनिया व आखरत दोनों जगह है। अब देखिए, दुनियावी निज़ाम के तहत हमारे लिए और आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम इंसानों के लिए ज़रूरी है वो हवा है। अल्लाह ने उसको बहुत आम रखा है, उसको चालू करने, बंद करने, ख़त्म करने की ताकत और कुव्वत किसी में नहीं है। इसी तरह से दूसरी चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए, पानी है, अल्लाह ने उसको भी बहुत आम रखा है। और इस कायनात के अंदर खुश्की से ज़्यादा पानी ही है पूरे ज़मीन के अंदर। इसी तरह से तीसरी चीज़ जो हम बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा आम है, अल्लाह के समझ लीजिए कि रहम व करम के सदक़े, ये खाने पीने की चीज़ें, चावल है, गेहूं है, जो चीज़ें जितनी ज़्यादा हम इंसानों के लिए ज़रूरी होती है वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा आम होती है, याद रख लीजिए। और वो चीज़ सस्ती भी होती है, और जो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें महंगी भी होती है और बहुत ही कम पाई जाती है। तो आप ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागिए, डॉक्टरों के पीछे मत भागिए कि तुम वो खाओ ये खाओ, वो सब क्या है, समझ लीजिए कि एक तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी ज़्यादा होती है अल्लाह उसको आम उतनी ही ज़्यादा रखता है। ये दुनियावी मामलात है। उखरवी नजात के लिए भी, आखरत में नजात पाने के लिए भी जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है अल्लाह ने उसको भी आम रखा है, और वो है ज़िक्र इलाही। अल्लाह ने इसको बहुत ही आम रखा है, बहुत ही ज़्यादा आम रखा है। अल्लाह ने इसको इतना आम रखा है, इतना आम रखा है कि इस इबादत को अंजाम देने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम नापाक और गंदी जगहों पर अल्लाह का ज़िक्र ना करो। बाकिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यह हुक्म दिया है कि तुम चलते फिरते उठते बैठते सुबह शाम सोते जागते हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहो। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करोगे
तो तुम दुनिया के अंदर भी इज्जत पाओगे और आखिरत के अंदर भी नजात पाओगे। मेरे दोस्तों, ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है, ये जिक्री इलाही एक ऐसी इबादत है जिसके अंजाम देने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मगफरत का वादा किया और ये कहा है कि मैं ऐसे लोगों को बख्श दूंगा, मैं ऐसे लोगों की मगफरत कर दूंगा। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कि वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कतीरा वज़्ज़ाकिरात, ये जिक्र करने वाले मर्द, बहुत ही ज़्यादा जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, ये ऐसे लोग हैं कि अअद्दल्लाहु लहुम मग़फिरतन व अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए मगफरत का वादा करके रखा है और अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़े अजर और सवाब का वादा करके रखा है। सुभान अल्लाह, मगफरत का वादा अल्लाह बख्श देता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठते हैं, जिक्र इलाही करने के लिए बैठते हैं, तो आसमान से एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कि ऐ जिक्र करने वालों, चलो अब उठ जाओ, अल्लाह ने तुम सब की मगफरत फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर, ये आवाज़ देता है, ये आवाज़ लगाई जाती है मिन जानिबिल्लाह कि ऐ अल्लाह के जिक्र करने वालों, चलो अब बस करो, ख़त्म करो, उठ जाओ, अल्लाह ने तुम सब की मगफरत फरमा दिया है। तो मैं ये कह रहा था मेरे दोस्तों कि जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की मगफरत कर देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को बेहिसाब अजर और सवाब से नवाजता है। इसी सिलसिले में आई एक सही रवायत मैं आपको सुना देता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि एक मरतबा हम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, रास्ते में थे कि एक सूखी हुई झाड़ दरख्त हमें नज़र आया जिसके पत्ते सूखे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस झाड़ की एक टहनी को पकड़ करके हिलाया तो थोड़े से पत्ते गिर गए, दूसरी मरतबा हिलाया तो और भी पत्ते गिर गए, तीसरी मरतबा हिलाया तो और भी पूरे पत्ते जो दरख्त पर लगे थे वो सब गिर गए। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि ऐ लोगों, एक बात याद रखना कि जिस तरह से इस झाड़ का पत्ता ख़त्म हो गया है और हिलाने से ये इस दरख्त के ऊपर से पत्ते गिर गए, उसी तरह से अल्लाह का जिक्र करने से गुनाह भी झड़ जाते हैं। सुभानअल्लाह, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर चार कलमे बतलाए कि सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये चार कलमात कहने से गुनाह भी झड़ जाते हैं। सुभानअल्लाह, छोटे छोटे गुनाह, बड़े गुनाह नहीं। ये नहीं कि आप जो है सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़ करके जो भी गुनाह करते रहे सब माफ़ हो जाएगा, नहीं। ये सब छोटे छोटे गुनाह जो जाने और अनजाने में हमसे हो जाते हैं वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है। कितनी बड़ी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, ये जिक्र इलाही इतनी बड़ी चीज़ है कि आपकी हर मुसीबत टल जाएगी। अल्लाहु अकबर, आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग मुसीबत से दो चार हैं। आज आप ये नुस्खे कीमिया ले जाइए, पावरफुल मैं तरीक़ा और नुस्खा आपको बतला रहा हूँ, अगर आप इसको लाजिम पकड़ेंगे तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी आप टल जाएगी। सिर्फ जिक्र इलाही से, सिर्फ सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने से आपकी हर मुसीबत टल जाएगी। शर्त यह है कि आप हमेशा अपने ज़ुबान पर अल्लाह के जिक्र के कलिमात को जारी रखें। अब आप कहेंगे कि मौलाना दलील दीजिए इस बात पर, तो आप जो है सूरह साफ़ात को पढ़िए। उस सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। बहुत ही मशहूर और मारूफ बात है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर गए थे, चले गए थे, तो उनके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअथून। क्या लोगों सुन लो, अगर वो मछली वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह की पाकी बयान करने वाले ना होते, अगर अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाले ना होते, अगर वो हज़रत यूनुस ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन ये कलमा अगर वो ना पढ़ते तो लबिसा फी बत्निही इला यौम युबअथून, तो क़ियामत के दिन तक वो मछली के पेट के अंदर ही रह जाते। अल्लाहु अकबर, हम और आप जानते हैं
कुरान ये गवाही देता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब तस्बीह वाले कलेमात को अदा किया और जिक्र अज़कार को लाजिम पकड़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी जगह से उन्हें नजात दिला दी जहाँ सिवाय मौत की और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भाई मछली के पेट के अंदर कोई ज़िंदा बच सकता है? मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा, और उसमें से वो मछली जाकर के समुंदर के निचले हिस्से में जाकर बैठ गई थी। वहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का जिक्र किया, तस्बीह पढ़ी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसीबतों से नजात दिला दी। आज हम कहते हैं कि मौलाना हम तस्बीह पढ़ते हैं लेकिन हमारी मुसीबतें ख़त्म नहीं होती है। वो भी एक रीज़न है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बतलाऊँगा, घबराइए मत कि आखिर क्या वजह है कि हम तस्बीह पढ़ते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं लेकिन हमारी मुसीबतें ख़त्म नहीं होती। और एक वो लोग थे कि तस्बीह पढ़ते थे और मुसीबतें ख़त्म हो जाती थी। ये बिल्कुल हकीकत है कि अल्लाह का जिक्र अज़कार करने से हर परेशानी और गम और मुसीबत ख़त्म होती है। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र एक ऐसी इबादत है कि आपका दिल मुनव्वर हो जाए, आपका ईमान बढ़ जाएगा, आपके दिल के अंदर ईमान का नूर जगमगा उठेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जिक्र इलाही करने से, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने ईमान को ताज़ा रखें तो जिक्र इलाही करते रहिए। ये ईमान ख़राब भी होता है, सुन लीजिए, ईमान ख़राब भी हो जाता है, बोसीदा भी हो जाता है। ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगो, तुम अपने ईमान को तरोताज़ा और नया रखने के लिए अल्लाह से दुआ करते रहा करो। क्यों? इसलिए कि ईमान भी वैसे ही पुराना हो जाता है जैसे कि एक इंसान का कपड़ा बोसीदा और फटा पुराना हो जाता है। अब कपड़ा हमारा पहनते हैं, जरे दिन अच्छे रहते हैं, उसके बाद साल दो साल के बाद वो ख़राब हो जाता है, फट जाता, फेंक देते हैं। ईमान भी ऐसे ही है, ईमान भी ख़राब होता रहता है, अच्छा होता रहता है, बढ़ता भी है, घटता भी है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ईमान हमेशा नया रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ईमान तरोताज़ा रहे और आपका ईमान बढ़ता रहे और आपके ईमान में कमी ना हो, तो आप अल्लाह का जिक्र लाजिम पकड़ लीजिए। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते रहिए, आपका ईमान ताज़ा रहेगा। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप पढ़ लीजिए सूरह अल अनफाल की आयत नंबर 2। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। कि बेशक के पक्के और सच्चे मोमिन वो लोग होते हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जी हाँ सुन लीजिए, अल्लाह का जब जिक्र किया जाता है इसके अंदर तमाम इबादतें शामिल हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी शामिल है, जितनी भी इबादतें हैं सब इसके अंदर शामिल है। तो कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों की तिलावत की जाती है, जब कुरान मजीद पढ़ी जाती है, तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत करते रहा कीजिए, कुरान मजीद की तिलावत भी सबसे बड़ा जिक्र है। कुरान मजीद की तिलावत ये बहुत बड़ी इबादत भी है। आप हमेशा कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, आपके ईमान में इजाफा होता रहेगा, अगर समझ करके करेंगे तो, वरना आप पूरा का पूरा कुरान मजीद ख़त्म करते रहेंगे, आपका ईमान वहीं का वहीं रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर ये कहा कि पक्के और सच्चे मोमिन की पहचान ये होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब जिक्र किया जाता है तो उनका दिल जगमगा उठता है, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है तिलावत कुरान से। और जो पक्के सच्चे मोमिन होते हैं ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। मेरे दोस्तों ज़रा गौर से सुनिए, मैं अब आपको क्या बताने जा रहा हूँ जिक्र इलाही के फ़ायदे में। और ख़वातीन भी गौर से सुने, मर्द भी, हम मर्द भी गौर से सुनिए इस हदीस को। ये जो जिक्र इलाही है ये एक ऐसी इबादत है कि आपको इससे जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत मिलेगी। सुभान अल्लाह, जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत मिलती है अल्लाह के जिक्र से, और थकावट भी दूर होती है। जो हमारी माँ और बहन है वो भी गौर से सुनिए, औरतों को शिकायत रहती है कि हम काम कर कर के थक जाते हैं, हमको बहुत काम करना पड़ जाता है। बहुत सारे वालिदैन भी परेशान रहते हैं कि हमारे बेटी को ससुराल में बहुत काम करना पड़ता है। तो ज़रा ये नुस्खा भी ज़रा बतला देना अपनी अपनी बेटियों को, और अपने अपनी बहू को भी बतला देना कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितना पावरफुल नुस्खा बतलाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस से कहते कि
हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चक्की पीसने की वजह से बहुत ही ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ता था। वो आटा पीसने की वजह से, पहले ज़माने में चक्की चलती थी ना, जो पत्थर के होते थे वो चक्की। ख़वातीन, ये जो खातून है ये हमारी और आपकी बेटी की तरह नहीं है, ज़रा गौर से सुनिए, ये दुनिया की आम औरत नहीं है, बल्कि ये नबी की बेटी और जन्नती औरतों की सरदार है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी है, सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन की बेटी है, लेकिन ये काम करती है। आजकल के बहुत सारे बाप बोलते हैं कि मेरे बेटी को ज़्यादा काम नहीं कराना, मेरी बेटी ससुराल में ज़्यादा काम नहीं करेगी, और अगर बेटी ज़्यादा काम करने लगे तो लड़ते झगड़ते भी हैं, और बेटी का सपोर्ट करके सास ससुरे से अलग भी कर देते हैं। सुनिए ज़रा गौर से, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के ऊपर बाब ही बांधा है कि औरत का अपने शौहर के घर में काम करना, बाबू अमलिल मरअति फी बैति ज़ौजिहा, ये उनवान है कि औरत जो है अपने शौहर के घर में काम करेगी। जब जन्नती खातून की सरदार सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन की बेटी जब काम कर सकती है, तो हमारी और आपकी बेटी घर में काम नहीं करेगी? अगर काम नहीं करेगी तो फिर तलाक होगा, काम नहीं करेगी तो फिर खुला होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, काम नहीं करेगी तो फिर जो है केस और मुकदमा होगा और कुछ नहीं होगा। अगर कोई आपसे कहे तो आप ये हदीस सुना देना, चक्की पीसा करती थी, हाथ में छाले पड़ गए थे, थक जाती थी, और बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त और परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता था। उन्हें मालूम हुआ कि कुछ कैदी आए हुए हैं जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोगों को बांट रहे हैं, काम करने के लिए एक नौकर मांगने के लिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आ गई, अपने अब्बा जान के पास आ गई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तेफाक से उस वक्त मौजूद नहीं थे। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना सारा किस्सा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बतला दिया। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए तो अम्मा आयशा ने सारी बातें बतलाई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सीधे अपने बेटी के घर आ गए, जबकि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बिस्तर के अंदर जा चुके थे। सीधे आकर के दोनों के बीच में बैठ गए, और तब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा था, वो हमारे लिए अहम है। कहा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कि मेरी बेटी और मेरे दामाद, सुन लो, तुम जब बिस्तर पर जाओ, जब सारे काम काज ख़त्म करके बिस्तर पर जाओ और बिस्तर पर लेटने लगो, तो सोने से पहले तुम 30 पर 3 मरतबा सुभानअल्लाह, 30 पर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 30 पर 3 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसी सूरत में क्या होगा? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कहा कि ये काम, ये अमल तुम्हारे लिए खादिम से ज़्यादा बेहतर है। अल्लाहु अकबर, खादिम से ज़्यादा बेहतर है, सुन लीजिए, ऐसा करना। हम और आप करते हैं, इस हदीस के अंदर हमारे बहुत सारे असबाक हैं, ख़ास करके जिन लोगों ने अपनी अपनी बेटी को ब्याह दिया है उनके लिए भी सबक हैं कि अगर बेटी आए कुछ मसला को लेकर के, तो ये ना कहा करो कि जा मैंने तेरी शादी कर दी, तू देख ले, तेरा घर हमने बसा दिया, अब तू यहाँ पर कुछ नहीं आना। अगर कुछ मांगने के लिए आए, अगर आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो बेहतर रास्ता बतलाओ, अच्छे मशवरा दो, अच्छी तरबियत दो, और उन्हें दिलासा दो, तसल्ली दो। ये नहीं कि शादी कर दिए तो हो गया, अब तू देख ले और जो है तेरा मसला है तू जान ले। ये हमारे समाज और मुआशरे की हालत है, इसीलिए तो लड़ाई झगड़े होते हैं ना। अब वो बच्चे हैं, उनको क्या मालूम है? आप जो है तजर्बा वाले हैं, आपको मालूम है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। तो देखा मेरे दोस्तों कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिक्र अस्कार करने से ये कहा कि तुम्हारे लिए खादिम से ज़्यादा बेहतर है। तो हम और आप जो है अल्लाह का जिक्र क्या करें, सोते वक्त भी और लेटते वक्त भी, बिस्तर में जाते वक्त भी, और जहाँ कहीं भी, और अगर नहीं करेंगे ना तो नुकसान हमारा ही होगा। सुन लीजिए, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई इंसान किसी जगह किसी मजलिस में बैठता है और वो इंसान वहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं करता है, तो ऐसी सूरत में वो मजलिस कल क़ियामत के दिन उसके लिए बाइस हसरत व नदामत होगी, वो शर्मिंदगी उठाएगा, वो इंसान अफसोस करेगा कि मैं उस मजलिस में नहीं बैठा होता तो अच्छा होता, इसलिए कि वो इंसान उस मजलिस में अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा। कोई इंसान रास्ते पर चल रहा है, उस रास्ते पर अगर उसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया
तो वो इंसान अफसोस करेगा और शर्मिंदगी उठाएगा। यह हदीस के अंदर है, कोई इंसान किसी बिस्तर पर सोया और अल्लाह का जिक्र नहीं किया तो वो इंसान कल क़यामत के दिन शर्मिंदा होगा और अफसोस करेगा। और तो और एक दूसरी हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बयान फरमाया कि अगर कोई इंसान किसी मजलिस के अंदर बैठता है और अल्लाह का जिक्र नहीं करता है तो ऐसी सूरत में वो इंसान ऐसी है जैसे कि किसी मुर्दा गधे की लाश के ऊपर बैठे हों और फिर वहाँ से उठे हों। अल्लाह की पनाह। हमारी बहुत सारी दोस्तों और यारों की मजलिसें ऐसी होती हैं कि हम अल्लाह का नाम नहीं लेते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते और एक रवायत के अंदर है कि दरूद भी ना पढ़े हों। तो ना ही हम अल्लाह का जिक्र करते हैं ना ही दरूद पढ़ते हैं मजलिस के अंदर, दोस्तों के साथ बैठते हैं गीबत चुगलखोरी और ये वो दिस डेट सब कुछ करते हैं, हंसी मजाक ठट्टा सब करते हैं फिर चलते बनते हैं। तो सुन लीजिए, कल क़यामत के दिन आप अफसोस करेंगे। आप अगर ऐसी मजलिसों के अंदर बैठते हैं और जब उठते हैं तो गोया कि आप मरा हुआ सड़ा हुआ बदबूदार गधे के लाश के ऊपर आप बैठे थे और फिर आप वहाँ से चलते बने। अल्लाह की पनाह। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ये बयान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़औलाइका हुमुल ख़ासिरून। आपको भी याद होगी ये आयत, जुमा में पढ़ी जाती है कि ईमान वालों ये माल और ये औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। और जो इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएगा, अल्लाह की इबादतों से गाफिल हो जाएगा, कुरान की तिलावत से गाफिल हो जाएगा, जिक्र अस्कार से गाफिल हो जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐसे लोग दरअसल नुकसान उठाने वाले होंगे, ऐसे ही लोग नुकसान उठाएंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक हदीस के अंदर तो ये बात भी है, अगर इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा तो वो इंसान जन्नत में भी अगर चला गया ना तो हमेशा रंजीदा और अफसरदा रहेगा, काश मैंने उस मजलिस में अल्लाह का जिक्र किया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, मैं जन्नत में और दूसरा मकाम पाता। ऐसा ऐसा वो इंसान अफसोस और शर्मिंदगी की हालत में रहेगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र और अज़कार हमेशा कीजिए, करेंगे कि नहीं? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, ये जो जिक्र और अज़कार के कलिमात हैं ना, ये आपको वो मकाम दिला सकता है जो आपके अलावा किसी और को मिल भी नहीं सकता है। और आप पहले वाले लोगों के मकाम तक भी पहुंच सकते हैं। जी हाँ, बुखारी की रवायत है, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि कुछ गरीब सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आ करके शिकायत की कि अल्लाह के नबी अकरम अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बड़ा ही अजीब मामला है। अब देखिए, हमारे दरमियान में बहुत सारे मालदार सहाबा किराम हैं, सारा का सारा अजर और सवाब तो वही लोग लूट लिए, वो लोग तो जन्नत में बहुत आगे चले जाएंगे और हम तो गरीब हैं, हमारा तो कुछ मकाम और मर्तबा ही नहीं रहेगा, हमको तो जन्नत भी नहीं मिलेगी। सहाबा किराम ने कहा, गरीब सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब आप देखिए कि वो जो सहाबा किराम हैं वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वो लोग भी रोज़ा रखते हैं, हम भी रोज़ा रखते हैं, बात तो सही है, लेकिन एक चीज़ में अल्लाह ने उनको फजीलत अता कर रखी है कि वो लोग जो है मालदार हैं, अल्लाह ने उनको माल और दौलत से नवाजा है। अब वो लोग अपने माल से जिहाद भी करते हैं, वो लोग अपने माल से सदका और खैरात भी करते हैं, वो लोग अपने माल से हज और उमरा भी करते हैं, और हमारे पास माल नहीं है, हम तो पीछे रह जाएंगे। तब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान फरमाई थी वो आप हमेशा याद रखें। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि, या फिर दिगर सहाबा किराम से कहा कि ए मेरे सहाबा किराम, ए अबू ज़र, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बतला दूँ कि अगर तुम उसको करने लगोगे तो जो तुमसे ज़्यादा मकाम व मरतबा पा चुके, जो तुमसे ज़्यादा फजीलत पा चुके, तुम उनके मकाम तक पहुंच जाओगे और तुम्हारे बाद भी कोई इंसान तुम्हारे दर्जे तक नहीं पहुंच सकेगा। हाँ, इल्ला ये कि अगर वो तुम्हारी तरह अमल करे तो तुम्हारे तक पहुंच सकता है, लेकिन जब तक कोई इंसान ये अमल नहीं करेगा तुम्हारे मकाम तक ऐसे लोग कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो सहाबा किराम ने कहा क्यों नहीं?
तब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद 30 पर 3 मरतबा सुभान अल्लाह, 30 पर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 30 पर 3 मरतबा अल्लाह अकबर, और आखिर में 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहु अला कुल्ल शैइन कदीर, ये कह लिया करो। हम और आप नहीं कहते हैं, हमको और आपको तो मस्जिद से भागने की जल्दी रहती है, सलाम फेरते हैं और अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और उठ जाते हैं। ये तो अक्सर लोगों की बीमारी है, आदत है। और तो और है, जब से ये मोबाइल कमबख्त आ गया है तब से लोगों ने ये जिक्र करना छोड़ दिया, सलाम फेरते मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। आप बहुत बड़े अजर और सवाल से महरूम हो जाते हैं। क्या फरमाया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो इंसान हर फर्ज नमाज के बाद ये कलिमात अदा करेगा तो अल्लाह उसके तमाम छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, अगरचे उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह, ये जिक्र अज़कार को मामूली मत समझिए, बहुत बड़ी इबादत है। जो इस इबादत को अंजाम देगा वो इंसान अपने से पहले वाले लोगों के मकाम तक पहुंच जाएगा। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, इस हदीस से एक दूसरी बात भी मालूम हो रही है कि जो भी आप जिक्र अज़कार के कलिमात अदा करेंगे आपको सदक़े का भी सवाब मिलेगा। हदीसों के अंदर आया है कि सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये सब कहना सदक़ा है, आपको सदक़े का भी सवाब मिलेगा, आपको हज और उमरा करने का भी सवाब मिलेगा, जहाद करने का भी सवाब मिलेगा, हर चीज़ का सवाब ये जिक्र अज़कार के कलिमात में रखे हुए हैं। लेकिन हमको और आपको इस बात का एहसास नहीं है, बस हम और आप गफलत के अंदर पड़े हुए हैं। सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्तों, अगर आप जिक्र अज़कार के कलिमात अदा करेंगे तो आप अपने लिए दुनिया व आखरत में कामयाबी भी हासिल करेंगे और अपने लिए दुनिया के अंदर रिस्क भी हासिल करेंगे। जी हाँ, जिक्र अज़कार से रिस्क मिलता है। सुनिए एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, कितनी प्यारी सी हदीस है लेकिन देखने में बहुत छोटा अमल है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही रावी हदीस से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू, एक देहाती आया, एक अराबी आया और आके सवाल किया कि अल्लाह के नबी अकरम व मकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुझे कुछ जिक्र अज़कार के कलिमात बतला दीजिए ताकि मैं उस पर अमल करूँ, कुछ खैर के कलिमात आप मुझे सिखला दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ये पढ़ा कीजिए। तो बद्दू इंसान साहबी जो थे देहाती, वो ये 4 कलिमात उंगली पर गिन लिए, सीख लिए, चलते बने। थोड़ी दूर गए थे कि रुक गए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी ये हालत को देख करके साहबे किराम से कहा, ऐसा लग रहा है कि बद्दू जो है किसी सोच में पड़ गया, आया इतने में वापस आया। और जब वापस आया तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो आपने मुझे ये 4 कलिमात सिखलाए हैं सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तो अल्लाह के लिए मेरे लिए क्या है? सुबहान अल्लाह, कहा ये तो अल्लाह के लिए मेरे लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ऐ मेरे बद्दू साहबी, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र सुबहान अल्लाह के ज़रिए करेंगे तो अल्लाह आपका जवाब देगा और ये कहेगा कि सदकता तूने सच कहा कि मैं पाकी के लायक हूँ। और अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तब भी अल्लाह आपका जवाब देगा और अल्लाह ये कहेगा कि तूने सच कहा। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तब भी अल्लाह यही कहेगा कि तूने सच कहा। जब आप अल्लाहू अकबर कहेंगे तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन यही कहेगा कि तूने सच कहा, मैं ही बड़ा हूँ। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 4 कलिमात के कहने के बाद अगर आप ये कहेंगे अल्लाहुम्मग़फिरली कि ऐ अल्लाह तो मुझे बख्श दे, तो जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह कहता है कि जा मैंने तुझे बख्श दिया। सुभान अल्लाह, मगफिरत चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए भाई, चाहिए ना। तो ये सब कलिमात पढ़ा कीजिए, बहुत ही आसान कलिमात हैं। कोई इंसान ये कहता है कि अल्लाह मगफिरली कि अल्लाह मुझे बख्श दे, तो अल्लाह कहता है कि जा मैंने तुझे बख्श दिया। ये 4 कलिमात के बाद पढ़ना है।
फिर आगे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद अगर आप ये कहेंगे अल्लाहुम्मरहमनी, ऐ अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा, तो अल्लाह ये कहता है कि जा मैंने तेरे ऊपर रहम कर दिया। फिर इसके बाद आप ये कहेंगे अल्लाहुम्मरसुकनी, ऐ अल्लाह तू मुझे रिस्क दे, तो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ये कहता है कि जा मैंने तुझे रिस्क दिया। सुभान अल्लाह, अगर आप रिस्क पाना चाहते हैं ना, अगर आप अपने कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो आप जिक्र अजकार को लाजिम पकड़िए, ये दुआ ज़्यादा पढ़ा कीजिए, अल्लाह आपको रिस्क देगा। और ये जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह है और अल्लाह अकबर है, ये चार कलमात के बारे में मैं आपको क्या बतलाऊँ, कैसी कैसी असीम फजीलतें हैं मेरे दोस्तों इसकी, अल्लाह को ये बेहद पसंद है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया की तमाम दौलत से ज़्यादा कीमती ये चार कलिमात हैं, अल्लाह ने इसको अपने लिए मुंतखब कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुनिए बहुत बड़ी फजीलत मैं आपको बतलाता हूँ। नौमान बिन बशीर रसी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सही कहा है कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो भी जिक्र अज़कार के कलिमात अपनी ज़ुबान से अदा करते हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तो ये जो कलिमात हैं ये ऊपर जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के इर्द गिर्द ये मंडलाते रहते हैं, सुभान अल्लाह। और इन कलिमात से शहद की मक्खियों की तरह भनभनाहट की आवाज़ आती रहती है और अपने पढ़ने वाले का तज़किरा करते हैं, सुभान अल्लाह। आप ज़मीन पर सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आप ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं और ये कलिमात अर्श के आसपास रब के सामने में आपकी याद दिला रहे हैं, कितनी बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सहाबा किराम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी भी याद दिलाने वाली कोई चीज़ हो, तुम्हारी भी याद दिलाई जाए, क्या तुम ये पसंद नहीं करते हो, क्या चाहते कि नहीं चाहते? तो अगर आप ये चाहते हैं कि अर्श के आसपास आपका तज़किरा हो, आपका नाम लिया जाए, तो ये चार कलिमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, इतना बना लीजिए कि आप जब आँख खोलें तो सबसे पहले आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहें, जब आपकी आँख बंद हो तब भी आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, वरना नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके इस कलिमात के अदा करने पर जन्नत के अंदर दरख्त लगाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका अजर और सवाब इतना ज़्यादा है कि ज़मीन व आसमान भर जाए, सुभान अल्लाह, ज़मीन व आसमान इतना ज़्यादा इसका अजर और सवाब है, हमको और आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। इसी तरह से एक हदीस के अंदर है कि जो इंसान सुभान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ये तीन कलिमात कहता है तो 20-20 नेकियाँ लिखी जाती है, 20-20 गुना माफ़ हो जाते हैं। अब अगर कोई इंसान अपनी तरफ से चुपके चुपके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो उसको 30 नेकियां लिखी जाती है, 30 नेकियां और 30 गुनाह भी मिटा दिए जाते हैं, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत वाली बात है। तो ये सब कलिमात अदा करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाल्लाह? तो मेरे दोस्तों, ये जो जिक्र अज़कार की इबादत है, एक ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह ने बहुत ही ज़्यादा आम रखा है और इसको करना भी बहुत आसान है, इसके फ़ज़ाइल भी बेशुमार है। इंशाल्लाह हम जो है अगले खुतबे जुमा के बाद इस बारे में फिर आपको बतलाएंगे। एक ऐसा वजीफ़ा मैं आपको बतलाऊंगा जो जन्नत का ख़ज़ाना है, और एक वजीफ़ा है उसके 10 फ़ायदे, ये सब अभी बताने वाला हूँ लेकिन अगले खुतबे जुमा के बाद। अगला जो खुतबे जुमा होगा वो जो है नए साल और फ़िक्र आख़िरत के बारे में होगा इंशाल्लाह, चूँकि 29 तारीख होगी तो उस दिन हम आपको इस बारे में बतलाएंगे। मेरे दोस्तों, आइए आज की खुतबा जुमा की सबसे आखिरी और अहम बात जो कि 25 दिसंबर के ताल्लुक से, वो भी ज़रा सुन लीजिए और इसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग घबराइए मत, 3 से 4 मिनट का वक्त लूँगा, 5 मिनट का वक्त लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा कि अब आज 20/2 है, 25 तारीख आने वाली है पीर के दिन। तो आजकल के मुसलमान कैसे हैं, गैरों को खुश करने के लिए वो पोस्ट लगाते हैं, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस जो है आपको मुबारक हो, और ये चाहते हैं कि ऐसा करने से सामने वाला खुश हो जाएगा। मैं आपको क्या बतलाऊं कि मैंने पिछले साल देखा था फेसबुक के ऊपर कि हमारी जमात का एक आदमी ऐसा पोस्ट लगाया था, जो इलेक्शन वगैरह लड़ता है तो सोचा कि ये पोस्ट लगाएंगे तो हमको वोट मिल जाएगा,
और जीरो भी नहीं मिला, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। ऐसे लोगों की यही हालत होती है, ऐसे लोगों की यही हालत होती है। सुन लीजिए, तो ये जो क्रिसमस की मुबारकबादी है इसका देना बहुत बड़ा हराम है, हराम में हराम है, सुन लीजिए। और ये क्रिसमस का माना जानते क्या है? ईसाई अकीदे के मुताबिक नऊज़ बिल्ला ये है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और उनका ये अकीदा है कि 25 दिसंबर के दिन अल्लाह ने बेटा को जना था, नऊज़ बिल्ला। अब अगर कोई इंसान ये कहता है कि हैप्पी क्रिसमस, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह इंसान इस बात से राजी है, वह इंसान इस बात से खुश है कि अल्लाह ने अपना बेटा जना, नऊज़ बिल्ला। कितना बड़ा कुफ्र है, कितना बड़ा गुनाह है। सुन लीजिए, किसी भी हाल में आप किसी को मुबारकबादी ना दीजिए, अपने बच्चों को इससे बचाइए। अब क्या हमारे बच्चे ज़रा ईसाई स्कूलों के अंदर भी पढ़ते हैं? बड़े बड़े घरानों की बच्चियाँ पढ़ती हैं। एक ऑटो वाला बतला रहा था, एक मरतब उसके ऑटो में मैं आया तो बोला कि मौलाना हमारे साहेबा अपने अपने बच्चों को ईसाई स्कूल में पढ़ाते और हमारे को बोलते कि नको पढ़ा, ये लीजिए। वो खुद कह रहा था, और वो सब ऐसे ही हैं, ईसाई स्कूल में पढ़ करके अब अपने दोस्तों को जो क्रिसमस है इसकी मुबारकबादी देंगे। तो जो इंसान क्रिसमस की मुबारकबादी देगा वो इंसान बहुत बड़ा गुनाह करेगा, और ये कुफ्र के दर्जे में आता, इसको मामूली मत समझिए। और ये जानते हैं कितना ख़तरनाक जुमला है? आप जो है सूरह मरियम के आखिरी रुकू है उसको पढ़ लीजिए। अल्लाह ने वहाँ पर ये कहा कि वक़ालु तख़ज़ा रहमान वलदा, कि लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए औलाद बनाया, लक़द जीतुम शैयन इत्ता, ये तो बहुत बुरी और ख़तरनाक और गंदी चीज़ और भारी चीज़ है। ये जुमला कितना ख़तरनाक है, हैप्पी क्रिसमस कहना कि अल्लाह ने अपना बेटा जना, ये कितना ख़तरनाक है। सुनिए अल्लाह क्या कह रहा है, तकादु समावात यतफत्तरन मिन्हु वतनशक्कुल अर्ध वतखिरुल जिबालु हद्दा। अल्लाहु अकबर, ये जुमला इतना ख़तरनाक है कि आसमान भी फट जाए, ज़मीन भी फट जाए, पहाड़ भी रेसा रेसा हो जाए। अल्लाहु अकबर, कितना ख़तरनाक जुमला है ये जुमला कि अल्लाह ने बेटा जना, ये इतना ख़तरनाक जुमला है कि आसमान भी फट जाए, ज़मीन भी फट जाए, पहाड़ भी रेसा रेसा हो जाए। और ये कहते हो कि अल्लाह के लिए औलाद है, अल्लाह के लिए बेटे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमा यंबगी लिर्रहमाने अन यत्तखिज़ वलदा, रहमान के लिए अल्लाह के लिए मुनासिब नहीं है कि उसके लिए कोई औलाद हो। उसके सामने तो पूरे कायनात के अंदर, पूरे ज़मीन के अंदर, आसमान और ज़मीन में जितने भी लोग हैं, जितने भी मखलूक हैं, इल्ला आती रहमान अब्दा, वो तो सारे के सारे गुलाम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी गुलाम है और मरियम भी गुलाम है, पूरे दुनिया के लोग गुलाम हैं। अल्लाह ने किसी को जना नहीं है, ना वो किसी से जना गया। तो आप जो है किसी भी हाल में इस चीज़ के अंदर शामिल ना होइए, और अपने बच्चों को भी मना कीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे पोस्ट को लाइक भी मत कीजिए, शेयर भी मत कीजिए, देखे भी मत, बल्कि ऐसे पोस्ट को आप हैड कर दीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़े गुनाह के अंदर शामिल हो जाएंगे। मैं एक दो बातें जो है लिख करके लाया हूँ और आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए इस बारे में। इस बारे में क्या कहते हैं कि एक हनफी फ़कीह है, अबू हफ्स कबीर, तो ये जो बात है दुर्रे मुख्तार के अंदर है, दुर्रे मुख्तार जिल्द 6 सफ़ा नंबर 754 के अंदर ये बात लिखी हुई है। अबू हफ्स कबीर कहते हैं, कोई इंसान 50 साल से अल्लाह की इबादत कर रहा है, अगर वो इंसान किसी गैर की ईद में खुश हो करके किसी गैर को एक अंडा भी तोहफा में दिया, एक अंडा भी तोहफा में दिया, तो उस इंसान की जितनी भी इबादतें हैं वो सब रायगा और बेकार है। उस इंसान की तमाम इबादतें बेकार है, कुछ काम की नहीं है वो इंसान, उसके जितने भी आमाल हैं वो सब ज़ाया हो गया और उसने कुफ्र किया। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि क्रिसमस की मुबारकबादी देना, ईसाइयों को मुबारकबादी देना यह हराम है और बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह की नाराज़गी मोल लेना है। और क्या कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, सबसे आखिरी बात ज़रा आप गौर से सुने कि बैहक़ी के अंदर ये बात मौजूद है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जो गैरों की ईद मनाएगा उस पर राज़ी रहेगा, उस पर खुश रहेगा और मुबारकबादी दिया, इसी पर वो इंसान मर गया। यानी कि मुबारकबादी दिया, अब एक मुसलमान है हर साल मुबारकबादी देता है, कितने ऐसे मुसलमान हैं रमज़ान और ईद और बकरीद की मुबारकबादी मुसलमान को नहीं देते लेकिन गैरों को देते,
और वो गैरों को खुश करना चाहते, वो कभी खुश नहीं होंगे। सुन लीजिए, अल्लाह का ये फरमान है, ये जो गैर हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो गैर लोग हैं ये कभी भी तुमसे खुश नहीं हो सकते, जब तक कि तुम उनके मजहब की पैरवी ना करने लगो तब तक वो तुमसे राज़ नहीं हो सकते। सुन लीजिए, ये अल्लाह का फरमान है। तो कहते हैं कि जो इंसान गैरों की ईद मनाएगा और उसी पर मरेगा तो कल क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, कितनी ख़तरनाक चीज़ है। जो इंसान ये क्रिसमस की मुबारकबादी देगा और इसी पर मर गया, उसके दिल में ये बात खुशी थी, अच्छा काम है, तो इंसान इसी पर उठाया जाएगा, ईसाइयों के साथ उठाया जाएगा। तो इससे बचेंगे इंशाल्लाह, खुद ही बचिए, दूसरों को भी बचाइए। आखिरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि अल्लाह हम को और आपको मौजूदा ज़माने की जितने भी खुराफात हैं, शिरकी आमाल व अकायद हैं, उन तमाम बातों से अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए।